कोरमा बनाने के लिए रेसिपी के साथ साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स का भी ख्याल रखा जाता है जो मैं आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, लव टू कुक, यू कैन डू इट। चलें जी, कैसे हैं आप सब लोग, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम 1.5 किलो चिकन चाहिए, 2 बड़े प्याज स्लाइस किए हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, 2 बड़े टमाटर कटे हुए, 6 टेबल स्पून घी चाहिए आपको इसके लिए, और साबुत गरम मसाला और पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, सबसे पहले हम घी गरम करेंगे कढ़ाई में, पैन में, हंडिया में, और तेज़ आंच पे हम चिकन को फ्राई करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये ज़रूर करना है आपने। इससे क्या होगा कि चिकन के जूसेस सील हो जाएंगे, राइट? क्योंकि जो कोरमा है वो थोड़ी सी ग्रेवी वाली डिश होती है, शोरबे वाली, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जायका शोरबे के अलावा ना गोश्त में भी रहे थोड़ा बहुत। ठीक है, तो जब हम इस तरह से तेज़ आंच पे फ्राई करते हैं चिकन को या किसी भी मीट को, तो वो जूसेस उसके अंदर सील हो जाते हैं। गरम घी में आप फ़ौरन से जब चिकन का पीस डालें तो एकदम से क्या उसको कहते हैं, अपने आप को सील कर लेता है, राइट? तो इससे आपका चिकन जूसी रहेगा, कोरमा बनने के बाद खाने में मज़ा आएगा। बैचेस में हमने इसको फ्राई किया है क्योंकि 1.5 किलो चिकन था। ये देखा आपने फर्स्ट बैच का चिकन, ठीक है, और अब हमने सेकेंड बैच भी फ्राई कर लिया। ना इन द सेम ऑयल, उसी ऑयल में ही हम अब प्याज शामिल करने वाले हैं। 2 बड़े प्याज हैं स्लाइस हुए हुए, इनको हमें ब्राउन करना है। वैसे तो जो तरीका होता है उसमें ब्राउन करें, प्याज निकाल लें, फिर अदरक लहसुन डालें। एनीवेज मैंने उसका एक शॉर्टकट इन्वेंट किया है खुद से कि प्याज ब्राउन होने लगता है ना जब, शुरू होने लगता है। ठीक है, अभी मैं आपको उसकी स्टेज दिखाती हूँ, ये देखें, राइट, ये देखें थोड़ा सा वो जाने लगा है ब्राउन होने की तरफ। नाउ आई विल ऐड द जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1.5 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट अब इसमें डाल दिया है और अब इसकी रिमेनिंग फ्राइंग इकट्ठे होगी। ठीक है, अब ये इकट्ठे ही दोनों चीज़ें ब्राउन होंगी। अब इन चीज़ों को इकट्ठे ब्राउन होने देंगे हम, और उसके बाद वी विल टेक इट आउट। ये देखें, सी, ठीक है, दोनों बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए। और अब आपने एक चीज़ करनी है कि टर्न ऑफ द स्टोव, चूल्हे को बंद कर देना और फिर प्याज को निकालना है और अदरक लहसुन को। ब्लेंडर के जग में टमाटर डाल दें, प्याज, अदरक लहसुन और 1 कप योगर्ट, ठीक है, और इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारा अच्छा सा स्मूथ सा मसाला तैयार हो जाए। अगर मसाला स्मूथ चाहिए तो ब्लेंड इट। उसी घी में मैंने 2 चम्मच और घी शामिल कर दिया है और उसमें साबुत गर्म मसाला डाल दिया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने स्टार्ट में गरम मसाला घी में डालना है ताकि अच्छे से उसका फ्लेवर भी आ जाए। जब गरम मसाला ब्राउन होता है तो वो उसका एरोमा बढ़ जाता है, ठीक है, उसका फ्लेवर इन्हांस हो जाता है। तो इसलिए पहले आपने गरम मसाला डालना है, साबुत वाला। एक्सक्यूज मी, ओके, नाउ वी हैव एडेड द पेस्ट इन इट, जो हमने ब्लेंड करके रखा था, और अब नमक, मिर्च और हल्दी, यस, ठीक है, ये बिल्कुल आपके टेस्ट के मुताबिक डलते हैं, जितना आप खाते हैं उतना मसाला इसमें आप ऐड कर सकते हैं, राइट? मिर्चों की क्वांटिटी, नमक हमेशा एडजस्टेबल होता है, और हल्दी, उसको अच्छे से आपने भूनना है, ठीक है, थोड़ी सी तेज़ आंच पे। और ये देखें, यहाँ तक भुनाई करनी है कि घी वो छोड़ दे ऊपर, आपको घी नज़र आ रहा है ना, और अब आप देख रहे हैं क्या मैंने ऐड किया है, दिस इज़ केचप, राइट, इट विल एनहांस द टेस्ट ऑफ द डिश। तो आपने 1 टेबल स्पून अराउंड केचप ऐड करना है। इस वीडियो के एंड पे आपको लिखे हुए उर्दू में इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, राइट, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि रेसिपी आपको उर्दू इंग्लिश में लिखी हुई कहाँ से मिलेगी। और राइट, इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऐड द चिकन, और फ्राइड चिकन अब हम इसमें ऐड कर चुके हैं। थोड़ी सी आंच तेज़ रखेंगे और इसको 2-3 बार आप इसमें चम्मच चलाएंगे और इसको भी मसाले के साथ ज़रा थोड़ा सा भून लेंगे। यस, और राइट, नाउ यू विल ऐड वाटर इन इट, ठीक है, वाटरी डिश होती है, आप इसमें पानी शामिल करें जितना आपको शोरबा चाहिए, और अगर कम शोरबा रखना है तो थोड़ा कम पानी डाल लें।
Anyways, I'm going to add almost 2 glasses in it. और उसके बाद आप इसको कवर कर देंगे अच्छे से. 2-3 उबाल जब आ जाएंगे तो फिर आप आंच हल्की कर देंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए. और जब चिकन गल जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी डिश रेडी है, कोरमा इज़ रेडी. इसको आप नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, दोनों तरह मज़े का लगता है. मैं ज़्यादा इसको नान के साथ इंजॉय करती हूँ. आप भी कमेंट करके बताएं कि आप किसके साथ इसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं. आर डिश इज़ रेडी. अब हम इस पर जिंजर स्लाइसेस डाल रहे हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर रहे हैं हम इसमें. मिनिमल मसाला, ये टिप भी याद रखें कि कम से कम मसाला यूज़ करना है. ओके, नाउ वी विल ऐड कोरिएंडर लीव्स एंड फ्यू 1 ग्रीन चिली स्लाइस्ड, एंड देन वी आर गोइंग टू कवर इट ताकि इसका एरोमा अच्छे से पूरी डिश में आ जाए. ठीक है, और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे. ऑलराइट, यस, नाउ वी आर गोइंग टू सर्व इट. उर्दू और इंग्लिश में लिखी हुई रेसिपी आपको चाहिए तो उसके लिए मेरी वेबसाइट पे जाएं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें एंड यू विल गेट द रेसिपी. इसी तरह टिप्स के साथ रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करें.